किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा आप लोग बीच में एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को मिर्च की विशेषताओं, मिर्च की F1 संकर हाइब्रिड की किस्मों की जानकारी देना। दूसरी बात, हम अपने मल्टीप्लायर और क्लियर कृष्णा एस्त्र प्लस और नारायण अस्त्र के माध्यम से किस तरह से मिर्च में, टमाटर में, कपास में, ऐसी फसलों में आने वाले वायरस को कैसे दूर करें, मैं उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिर्च की F1 की संकर की जो है विशेषताएं हैं वो किस तरह से हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अभी मेरे पास 4 मिर्च F1 किस्म की जानकारी है और इनके सीड्स भी आपको हमारे पास से उपलब्ध हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, नंबर 1 पे है अर्का बैगना, यह अधिक उपजाव वाली एक संकर किस्म है जिसके फल हरे रंग के होते हैं तथा पकने पर गहरे लाल रंग में होते हैं, पर यह अधिक तीखी व मिर्ची शिरा मोटर विषाणु के प्रति सहनशील है। इसकी उपज 160 से 180 दिनों में 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर होती है। अगर आप एकड़ की बात करें तो करीब 12 से 14 जो है करीब 12 से 14 14 टन पर एकड़ के हिसाब से आप इसे मान सकते हैं, 14-15 टन पर एक हरी व ताजी मिर्च प्राप्त होती है और 4.5 से 5 टन पर हेक्टेयर लाल व सूखी मिर्च प्राप्त होती है। दूसरी मिर्च आती है अर्का श्वेता, यह ताजे व हरे रंग की मिर्च होती है जो बेचने योग्य अधिक उपजावली F1 संकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है। इसके फल 11 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास की मोटाई होती है। ये चिकने मध्यम तीखे व हल्के रंग के होते हैं, हल्के हरे रंग के होते हैं जो पकने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये खबरें मोजैक विषाणु के प्रति सहनशील भी है तथा 160 दिनों में 35 टन प्रति हेक्टेयर हरी व ताजी और 5 टन है प्रति हेक्टेयर लाल व सूखी की उपज प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये दोनों मिर्च का उत्पादन लगभग बराबर है और जो इनकी जो है फसल है वो फसल के जो दिन है वो भी लगभग बराबर है। करीब 6 माह की ये अवधि है फसल, जो फसल अवधि है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तीसरी फसल की, ये हमारी अर्का हरत। अर्का हरत में जो है आपको बता दें कि ये अधिक उपजावली F1 संकर किस्म है जिसके फल 8 सेंटीमीटर से लंबे 8 सेंटीमीटर से 8.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसकी जो मोटाई होती है वो 0.8 सेंटीमीटर से लेकर के 8.5 सेंटीमीटर तक, इसकी जो है 0.8 सेंटीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई होती है। इस तरह से इसके फल चिकने अधिक तीखे होते हैं जो पकने पर लाल रंग में परिवर्तित होते हैं। इस संकर चूर्ण आस्था व मिर्ची शिरा मोटर विषाणु के प्रति सहनशील है तथा इससे 180 दिनों में 35 से 38 टन प्रति हेक्टेयर हरी व ताजी मिर्च प्राप्त कर सकते हैं तथा 5.5 टन प्रति हेक्टेयर लाल व सूखी मिर्च की उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं अंत में अर्का ख्याति। अर्का ख्याति मिर्च, यह भी ताजे व हरे रंग के बेचने में योग्य अधिक उपजावली F1 संकर किस्म है। इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो मोटाई है वो 1 से 1.25 सेंटीमीटर की लगभग मोटाई होती है। ये चिकने मध्यम तीखे और हल्के रंग के होते हैं जो पकने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये खीरे की मोजैक विषाणु के प्रति सहनशील है तथा इसमें 180 दिनों में 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हरी व ताजी 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मतलब उत्पादन का बेजोड़ उत्पादन मिलता है इससे। ये आपको 5 से 5.5 टन
प्रति हेक्टेयर लाल व सूखी मिर्च भी आपको उत्पादन देता है। जो इस आप इन चारों किस्मों की एक विशेषता आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा, मेरे माध्यम बताया, मैंने बताया आपको इन चारों मिर्ची में अगर आप हरी मिर्च चाहते हैं तो हरी मिर्च तो मिल ही रही है। अगर हरी मिर्च का दाम कम है या बिकने में समस्या आ रही है, उसे लाल मिर्च सुखा करके भी आप उसे रख सकते हैं और बाजार में दे सकते हैं। तो इन चारों मिर्चों की ये दो विशेषताएं तो आपके सामने आ गई। दूसरी तीसरी विशेषता है कि इनमें जो वायरस आते हैं, विषाणु आते हैं, उनके प्रति भी जो है सहनशीलता होती है। जैसे कि आपको बहुत सारे कीटनाशक का जो खर्चा है, रासायनिक जहर निरे का कीटनाशकों का खर्चा है, पेस्टिसाइड्स का, उन पर आप नियंत्रित कर सकते हैं, उन पर खर्चे आप कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिर्च की। हम मिर्च में हम देखते हैं कि जो है जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती है उसमें फूल आना शुरू करते हैं, उसमें फल आना शुरू होता है, समय समय पर उस हिसाब से उसमें रोग कीड़े भी बढ़ने लगते हैं। कीड़े बढ़ने के साथ साथ हम उनमें ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ने लगते हैं, बहुत महंगी महंगी दवाई देते हैं। हमने किसान भाइयों से बात की, किसान भाई बताते हैं हम करीब 20-20 हज़ार रुपये की एक एक जो है 20-20 हज़ार रुपये लीटर, 30-30 हज़ार रुपये लीटर के हिसाब से दवा का स्प्रे करवाते हैं, उसके बाद भी वायरस नहीं जाता। वायरस ना जाने का कारण कोई ये नहीं है कि आपकी मेहनत में कोई कमी है, आपकी देख रेख में कोई कमी है, वो बातें नहीं है। बात समस्या बस इतनी सी है कि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उनका रेगुलर एक ही ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए समस्या आती है। अब मैं आपको बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से इन ट्रीटमेंट्स के, हम इन समस्याओं से हम कैसे निकल सकते हैं, इन समस्याओं को हम कैसे अपनी फसल से खत्म कर सकते हैं। पहला मल्टीप्लायर बता दूं आपको। मल्टीप्लायर आपका जमीन से देते हैं, जमीन से देने पर मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। मिट्टी भुरभुरी होगी तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होगी। ऑक्सीजन के माध्यम से वहां पे एक ऐसा माहौल तैयार होता है जमीन में, इससे पौधों की जड़ों का विकास जो होता है बहुत गहरे तक जाता है, गहरे तक होती है। पौधों की जड़ें मिट्टी में गहरे तक गहराई तक जाती हैं, जिससे वो भोजन बनाने में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। जब भोजन पौधों को ज़्यादा मिलेगा तो पौधे ज़्यादा स्वस्थ होंगे, उनमें ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं, पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा डार्कनेस ज़्यादा हरी होंगी। जब ज़्यादा हरी होंगी तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने में आसानी होती है। इस तरह से पौधा ज़्यादा शाखाएं वाला होगा, ज़्यादा फूल वाला होगा, ज़्यादा जब फूल ज़्यादा होगा तो फल उत्पादन, अनाज उत्पादन ज़्यादा होगा, उसका वजन भी, उसका आकार भी बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ मल्टीप्लायर के उपयोग होने से एक जो है जो किसान मित्र जीव होते हैं, जैसे केचुआ हो गया, कुछ और हैं, तो वो जो है वहाँ पे सूक्ष्म जीवाश्म की संख्या, केचुओं की संख्या बढ़ने लगती है। इससे आपकी खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति तेजी के साथ विकास करती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रे का महत्व। मल्टीप्लायर का जब आप स्प्रे में महत्व स्प्रे का स्प्रे करते हैं, 7 दिन के अंदर पे हम ज़्यादातर सब्जियों की खेती में स्प्रे करते हैं। 15 ग्राम मल्टीप्लायर जाता है 15 लीटर पानी में। इसके साथ जब स्प्रे करते हैं 7 दिन के अंदर पे, तो आपकी फसल में रोग, अगर पानी की कमी है तो उसमें भी आपकी फसल में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। पानी अगर थोड़ा ज़्यादा बारिश हो गई तो भी बहुत ज़्यादा फसल नहीं बिगड़ेगी। ठंड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो भी उस पर ज़्यादा आपकी फसल पर बहुत प्रभाव कम ही पड़ता है। आपकी फसल पर जो नुकसान होता है मौसम के बदलाव से, या फिर जमीन के खराबी से, या फिर रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक रोगनाशक, फंगिसाइड, इन सब चीज़ों के उपयोग से जो इसके इन्फेक्शन होते हैं पौधों में, वो सब नहीं होते हैं, तो मल्टीप्लायर ये काम करता है। दूसरी चीज क्या है कि आप मल्टीप्लायर देने का तरीका, आप सिंचाई के माध्यम से आपको देना होता है, किसी भी फसल में आप सिंचाई साथ दे सकते हैं, ड्रिप से दे सकते हैं, उर्वरक के साथ मिलाकर दे सकते हैं, आप यूरिया, डीएपी, पोटाश कुछ भी मिला के दे रहे हैं उसके साथ मिला के दे सकते हैं, आप डायरेक्ट किसी गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में, खेत की मिट्टी साथ मिला के दे सकते हैं, पौधों की जड़ों पर रखवा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्प्रे की।
तो स्प्रे में आपका मल्टीप्लायर जब देते हैं तो ये सब समस्या जैसे मैंने बताया आपको कि मौसम से होने वाली नुकसान, सूखा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है या फिर ठंड पड़ रही है, तो उसके जो परिवर्तन आता है पौधों में, पौधे सूखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ग्रोथ से संबंधित जितनी भी समस्या है मल्टीप्लायर दूर करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑलकिलर की। ऑलकिलर का कमाल मैंने देखा हुआ है बहुत जगहों पे, जिस फसल में हम बहुत ज़्यादा खाद दे रहे हैं उसके बाद भी उस फसल को खाद नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, उसे पौधों की ग्रोथ खत्म हो रही है, बरसात होने लगी पौधों की ग्रोथ खत्म हो गई। टमाटर में, मिर्च में मैंने देखा है उसमें चश्मा वायरस लगता है ब्लैक कलर का, और मुझे एक वायरस लगता है, ऐसी वायरस में लगने पर पौधों की ग्रोथ ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में ऑल्टर यूज करते हैं, तो ऑल्टर क्या करता है, इसमें सिलिकॉन है 70%, पूरे भारत देश में भी कोई कंपनी 70% सिलिकॉन नहीं बना पाई है। सिलिकॉन क्या करता है कि पौधों में आवरण तैयार करता है, आवरण तैयार करने के साथ साथ जो हम फास्फोरस देते हैं, जो भी हम खाद देते हैं, उसे जड़ों के माध्यम से पौधों के भोजन के रूप में देने में मदद करता है। तो जब ये पौधों के भोजन देने में मदद करता है, जो मानसून जो पर्यावरण चेंज होता है, परिवर्तित होता है, उसमें भी जो पौधों को डैमेज होता है, नुकसान होता है, उससे भी बचाने का काम करता है। इस तरह से ऑलकिलर आपका फसल जो है पौधों को बचाने का, कीड़ों से बचाने का काम करता है। मौसम के परिवर्तन होने के बाद जो नुकसान होता है पौधों, उससे बचाने का काम करता है। तो ऑलकिलर आपका 3 ml 15 लीटर पानी साथ में स्प्रे में जाता है। इसके बाद हम आते हैं स्प्रे प्लस की। स्प्रे प्लस आपका एक बहुत ही टेक्निकल कंटेंट्स है स्प्रेडर के रूप में, जो 5 मिनट के अंदर किसी भी स्प्रे के साथ मिला दें 15 लीटर पानी में, दांत 2 ml से 1 ml जाता है। पेस्टिसाइड के साथ, फंगिसाइड के साथ 2 ml जाएगा, उर्वरक के साथ 1 ml जाएगा 15 लीटर पानी में। जब हम मिला के स्प्रे करते हैं तो फसल में किसी भी पार्ट पे, किसी भी हिस्से में कोई भी रोग होगा, कोई भी कीड़ा होगा, वो छिप नहीं सकता, वहाँ पे रुक नहीं सकता, वो खत्म होना ही होना है उसे। तो इसकी मदद से हम फसल के हर पार्ट पे पौधों से मुक्ति पा, रोग से, पौधों के रोगों से, कीटों से मुक्ति पाते हैं, और इसको हम उपयोग करते हैं। और इसे यूज कर लिया आपने अगर किसी भी स्प्रे में, ट्रीटमेंट में, तो उसके आप 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी बारिश होती है, कोई मौसम में बदलाव आता है, तो उसे आपकी फसल में इसका, इसके जो है, जो हमारे जो दवाएं स्प्रे कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे आपको पौधों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद नवरात्र की बात आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस बात को जरूर आप ध्यान सुने। आप सॉरी, आप जब फसल में मिर्च हो, टमाटर हो, जो है मिर्च है, इसमें शिमला मिर्च है, कपास है, करेला है, ऐसी फसल करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है वायरस की। वायरस में थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गई, माहू हो गई, इसके साथ ऐसे जब बहुत सारे जो है मकड़ी हो गई, फल छेदक हो गए, तना छेदक हो गए, इल्ली हो गई, इस तरह जो रस चूसक कीड़े होते हैं, गुलाबी इल्ली होती है, इल्ली होती है, वो जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसे बचाने के लिए हम इस कीटनाशक नारायण अस्त्र का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो डोज है वो मिनिमम, ज़्यादातर समय जो है हम 5 ml देते हैं 15 लीटर पानी साथ में। बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा जो है कीट है, तो उस वक्त हम इसको 10 ml कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नारायण अस्त्र यूज नहीं कर रहे हैं, अचानक हमें पता चलता है नारायण अस्त्र यूज करने से हमें फसल में लाभ मिल सकता है, उस स्थिति में अगर समस्या बहुत ज़्यादा है आपकी फसल में, इसके साथ में ही आप जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसका आधा डोज, जैसे कि आप इमिडाक्लोरपीड यूज कर रहे हैं, पेगासस यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका डोज 10 ml है 15 लीटर पानी में, तो उसका 5 ml कर देना है और इसी साथ मिलाकर के स्प्रे कर देना है। आप पेगासस यूज कर रहे हैं, इमिडाक्लोरपीड यूज कर रहे हैं, साइफरमेथ्रिन यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी फसल में बहुत अच्छा बदलाव नहीं मिलता, आपके उसमें फसल में कीटों के ऊपर नियंत्रण नहीं मिलता, तो इससे आप जो है उस पर पूरी तरह से दो दवा मिला देंगे तो पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। अगर शुरू से यूज कर रहे हैं तो उन सब दवाओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप टमाटर जैसी फसलों में, मिर्च जैसी फसलों में इसको उपयोग करते हैं तो पूरी तरह से आप रसायन कीट से मुक्ति पा सकते हैं, आप रासायनिक रोगनाशक फंगिसाइड से धीरे धीरे करके मुक्ति पा सकते हैं।
रासायनिक उर्वरक मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आप हर साल 10% 20% कम करिए। इससे भी आपको रासायनिक खाद का जो खर्चा है उसका आप पर जो भार है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप ये चारों ट्रीटमेंट यूज करने पर आपको इतने लाभ हो रहे हैं, फसल की वृद्धि हो रही है, उत्पादन वृद्धि हो रही है, फसल का वजन बढ़ रहा है। उसी एरिया में जिस खेत में आप जो है 10 टन मिर्च पर एकड़ के हिसाब से नहीं निकाल पा रहे थे, उसमें हम 15 टन 20 टन की बात कर रहे हैं।